सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना बंधु बनाइए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। और आज हम करेंगे Canon EOS M10 की अनबॉक्सिंग। क्या क्या चीज़ें Canon देता है इस कैमरा के साथ देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ सोनी और निकॉन के मिररलेस कैमरा के वजह मैंने ये कैमरा क्यों खरीदा ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि मिररलेस कैमरा ले कि DSLR कैमरा ले, तो यहाँ पे कहीं लिंक आ रही होगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेहतर है। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये सब आता है कैनन के EOS M10 बॉक्स में। आपको ये कैमरा की बॉडी आ जाती है, साथ ही साथ 15x45mm का इमेज स्टेबलाइज़र वाला लेंस आता है। आपको ये बैटरी है, आपको ये चार्जर है, आपको ये डेटा केबल है, आपको ये चार्जिंग केबल है, और आपको ये कैनन का बैक स्ट्रैप भी आता है। आप ये कैनन के कैमरा में आई थिंक यहाँ पे और यहाँ पे इसको डाल सकेंगे। तो ये सब आता है कैनन के साथ। और साथ ही साथ अभी फटाफट हम लोग इसको असेंबल कर लेते हैं। कैनन M10 के स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन में दिखेंगे अभी। ये आपको इंडिया में 36,000 का मिलेगा लगभग। और इसके कॉम्पिटिटर्स है सोनी का अल्फा 5000 और 5100 और निकॉन का V5। लेकिन थोड़े कारण हैं जिस कारण मैंने ये ख़रीदा और वो नहीं ख़रीदे। एक तो कारण है कि इसमें 15x45mm का लेंस डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो ये एक वाइड एंगल लेंस है। मैं इस कैमरा से काफ़ी ब्लॉगिंग करूँगा, काफ़ी सेल्फीज़ खींचूँगा, तो जितना वाइड एंगल लेंस होगा उतना बेहतर होगा। तो इसे मैं यहाँ पे ये पोर्ट है सेल्फी स्टिक कनेक्ट करने का, तो यहाँ कनेक्ट करके मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। साथ ही साथ सोनी के कैमराज में और इसमें दोनों में 180 डिग्री टिल्ट स्क्रीन है, तो व्लॉगिंग के लिए आप अपने आप को देख सकते हो और निकाल सकते हो फोटोज या वीडियो, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ जो सोनी कैमराज में नहीं है, जो इसमें है, इसमें 100% टच स्क्रीन है। सोनी के जो मैंने आपको बोले थे 5000 और 5100 में, जब कैमरा ऑन होता है तो फोकस के लिए आपको टच स्क्रीन का ऑप्शन होता है, लेकिन जो आपको मेन्यू सेटिंग्स और वो सब करने हैं तो वो आपको फिज़िकल बटन से ही करने मिलते हैं। इसमें आप जो भी सेटिंग्स हैं आप टच करके कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बेनिफिट है इसमें कंपेयर करेंगे सोनी के दो कैमरा से। लेकिन सोनी के दो कैमरा में कुछ बेनिफिट्स हैं जो शायद इसमें नहीं है, तो अपनी अपनी चॉइस है दोस्तों। मुझे फुल टच स्क्रीन चाहिए था और मुझे एक वाइड एंगल लेंस चाहिए था, तो मैंने इसके लिए ये चूज़ किया। दोस्तों कैनन ने 2-3 और लेंसेज निकाले हैं जो इसमें फिट हो सकते हैं। आप कैनन के और SLR कैमरा के भी लेंस इसमें लगा सकते हैं, उसके लिए आपको एक अडैप्टर लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप दूसरा मिररलेस कैमरा लेते हो, जैसे कि सोनी का हो जाए या निकॉन का हो जाए, तो उनके भी अडैप्टर्स आते हैं और वो लेके आप सोनी के दूसरे लेंसेज और निकॉन के दूसरे लेंसेज लगा सकते हैं दोस्तों। तो अभी इसे चालू करते हैं। इसका ये बटन है और ये मैं यहाँ प्रेस करता हूँ
यहाँ पे इसे स्किप करते हैं डेट सेटिंग्स। इसका लेंस लॉक है, ये लेंस को अभी खोलते हैं। खुल गया है, जैसे कि मैंने बोला था टच स्क्रीन है, आप कोई भी एरिया को फोकस कर सकते हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है, टच से फोकस होता है। अगर आपको व्लॉगिंग करना है तो ये देखो, ये मैं कैसे आपको बताऊँ, ये मैं दिख रहा हूँ, मुझे अब मैं अपने आप को दिख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे टच करके अपने आप को फोकस कर सकता हूँ। दोस्तों इसका डिटेल्ड रिव्यू तो मैं आपको अच्छी तरह से यूज़ करने के बाद ही दूंगा। दोस्तों आपको ये इनिशियल रिव्यू कैसा लगा है प्लीज़ मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है कोई भी मिररलेस कैमरा के बारे में या इस कैमरा के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन प्लीज़ दबाइए, आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। दोस्तों तो फिर मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, अब चलता हूँ, जय हिंद।